Thank you so much for your Weybridge inquiry. Thank you so much for your Dharamkata inquiry. It is our pleasure that we are getting an opportunity to serve you and tell you and help you with our 68 years of knowledge. So by the end of this video, you're going to get one very important answer. आपको ये क्वेश्चन सबको आता है कि मैं कौन सा लोड सेल लूँ, डिजिटल लोड सेल लूँ कि एनालॉग लोड सेल लूँ। पहला बात तो ये दोनों लोड सेल्स होते क्या है, मैं आपको एक ब्रीफ में समझा देता हूँ। डिजिटल लोड सेल्स आर लोड सेल्स विच गिव आउट अ डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग लोड सेल्स आर अ लोड सेल विच गिव आउट अ सिग्नल इन 01 फॉर्मेट विच इज अ एनालॉग फॉर्मेट। ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, फॉर्मेट से तो आपको कोई मतलब नहीं है, दोनों का वजन ना डिजिटली दिखाता है, डिजिटली वो वजन दिखाता है एंड दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है ये आपको मालूम पड़ेगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो। एंड एक्चुअली द बोनस यू विल गेट बाय द एंड ऑफ द वीडियो इज टू सच मिथ, दो ऐसे झूठ जो लोग बोलते हैं लोड सेल्स को लेके और आपको बेवकूफ बनाते हैं। हाय, दिस इज सौरभ टिकमानी, द डायरेक्टर ऑफ तुलसी वे सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। वी एट तुलसी सिंस 68 इयर्स हैव हेल्प्ड ओवर 6000 कस्टमर्स सप्लाई 6000 प्लस वे ब्रिजेस across 15 countries and help them save up to 95 lakh rupees per year. Some of our major customers are Tata, Birla and Bajaj. So as we were telling you, now we are going to tell you about the differences between analog and digital load cells. So ek simple mein agar main aapko samjhaun, analog load cells and digital load cells ke andar digital mein safety zyada rehti hai. Analog load cells ke andar choriyan ho sakti hain, jaise aap yahan dekh sakte ho, is type ki पिन्स लगाई जाती है, इस टाइप की छोटे छोटे डिवाइसेस लगाई जाती हैं और रिमोट कंट्रोल से आप उसके सिग्नल को ऊपर नीचे कर सकते हो जिससे आपके वजन में डिफरेंस आ जाएगा और चोरी हो सकती है, जो हम लोग ने कई नामचीन टॉप 10 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के साइट से भी पकड़ा है, जबकि उन लोग हर तरीके का सेफ्टी भी मेंटेन करते हैं। बट डिजिटल लोड सेल्स के अंदर ये तरीके का काम हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। डिजिटल लोड सेल्स आर अल्ट्रा सेफ, That is the reason they charge a bit more. करीबन 8 से 10,000 पर लोड सेल का कॉस्ट आ जाता है, ज्यादा अगर आपके 6 लोड सेल है तो 60 पकड़ लीजिए, उस हिसाब से कॉस्ट आ जाता है। बट दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज वन मेजर डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इसमें यह आ जाता है कि आपको डिजिटल लोड सेल में रियली स्टेबिलिटी ऑफ सिग्नल आती है, तो कभी सिग्नल ऊपर नीचे होने का पॉसिबिलिटी नहीं है जो एनालॉग में पॉसिबल है। ये अगर आप कोई भी इंजीनियर से पूछोगे वो आपको बता सकता है डिजिटल इज मोर स्टेबल देन एनालॉग, इसीलिए उसमें एक्यूरेसी का लेवल बेटर रहता है। दीज आर टू मेजर पॉइंट्स, उसको छोड़ के कई सारे डिफरेंसेस हैं, बट ये दो डिफरेंसेस आप लोग के जानने के लिए, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड एक्यूरेसी। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द टू मोस्ट कॉमन मिथ्स व्हिच पीपल हैव, दो सबसे गलत फहमी, डिजिटल लोड सेल और एनालॉग लोड सेल पानी में एकदम ठीक रहेंगे, पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये IP69 के है, IP करके कोई आपको रेटिंग बोलता है और आप उसको मान लेते हो एज अ गुड पर्सन, बट वो आपको जो बोल रहा है उससे ये पूछेगा, IP का सर्टिफिकेशन देगा, उसके अंदर लिखा रहता है कि टिल व्हाट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन व्हाट कैटेगरी ऑफ वाटर वाज दिस टेस्टेड। आपके यहां जो पानी भरेगा क्या आप उसके अंदर जानते हैं क्या क्या मॉलिक्यूल जाएगा, नहीं जानते ना, तो वो कितना देर तक ठीक रहेगा और कितना ठीक रहेगा ये हम नहीं बोल सकते। IP सर्टिफिकेशंस के अंदर वो किस पानी पे टेस्ट करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, तो ये सब चीज करना ना बहुत मुश्किल होता है। और बाद में वो आपको बोल देगा कि नहीं आपका पानी इतना देर था जमा हुआ, मेरा तो इतने देर तक का ही वारंटी है, तो ये झमेले में आप पड़ोगे। इससे अच्छा आप इसको समझ लो कि वो एक्चुअली वाटर प्रूफ नहीं होता जिसमें आप पानी में डुबा के रखो, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, लाइटनिंग प्रूफ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो लाइटनिंग प्रूफ हो सकता है। वी हैव हर्ड दिस, यस यू हर्ड मी राइट, ऐसा कुछ नहीं होता, आप भी जानते हो, आप हंस रहे होंगे, लेकिन यस वी हैव हर्ड इट कि लाइटनिंग प्रूफ बोला जाता है। लाइटनिंग प्रूफ लोड सेल्स होते ही नहीं है, ऐसा कोई चीज बना नहीं अभी तक इस दुनिया में कि वो लाइटनिंग प्रूफ हो, तो ये चीज में बेवकूफ मत बन जाइएगा। इसी के लिए मैं बोलता हूं हमेशा तीन अर्थिंग लगानी चाहिए, एक लोड सेल के लिए, एक आपके इंडिकेटर के लिए और एक आपके स्विच बोर्ड में जो आपके इंडिकेटर जिससे लगे हैं। ये तीन चीज अगर आप कर लोगे तो इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। One is for the structure as well. So what happens with these three? Structure, load cell and indicator. What happens here? If you do this, aapki lightning bypass ho jayegi. That is the only way you can save your load cells from lightning. There is no other way. So koi agar bol raha hai load cell lightning proof hai, they are lying to you. If you want to know more ki aapko kaun sa load cell lagana chahiye, I'll give you one small tip. Agar aapka per day vajan karne ka value
लाखों में है, 50 लाख्स, 40 लाख्स, 30 लाख्स, 20 लाख्स, और अगर वो एक्सपेंसिव है, आप उसको सेव करना चाहते हो, सो डोंट गो विद एनालॉग लोड सेल, गो विद डिजिटल लोड सेल. टू नो मोर यू कैन ऑलवेज आस्क अस, आस्क अ लॉस प्रिवेंशन एक्सपर्ट एंड दे विल हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच.